ॐ मा गणेशाय नमः। ॐ गं गणपतये नमः। गणपति उवाच, एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे आज एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का शीर्षक या थंबनेल बताऊँ उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी। तो मित्रों अभी मैं देखिए क्या बात करने वाला हूँ, क्या चर्चा करने वाला हूँ। जो भी मैं चर्चा करूँगा वो मित्रों देखिए चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि से भी देखी जा सकती है। और देखिए लग्न राशि चंद्र राशि दोनों में आपको कुछ नहीं मालूम तो फिर नाम राशि से भी देखिए, नाम राशि से भी 20-25% तो सही बैठता ही है। लेकिन आपको अपना 100% सही पता लगाना है तो अपने जन्म कुंडली को जरूर दिखाइए। जन्म कुंडली में हो सकता है ग्रह नीच के बैठे हों या ऊंच के बैठे हों, या वर्तमान में जो चल रहा है इस समय उसके अगर फिटिंग नहीं आ रही ठीक से आपकी बाहर पर, इसका मतलब आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह खराब स्थिति में बैठे हुए हैं। तो मित्रों आप देखिए मैं ये जो चर्चा करूँगा वो आपसे निवेदन ये है कि आप स्किप करके ना देखें, स्किप करके देखेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, आपका कुछ लाभ भी नहीं होगा और मेरी मेहनत भी सार्थक नहीं जाएगी। जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत आखिर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ पता लग सके, आपको कुछ मिल सके, कुछ लाभ हो सके। और आपने स्किप करके देखा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मित्रों जाते जाते जब आप कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना चाहें लिखिएगा, बुराई करना चाहें बुराई करिएगा, तारीफ करना चाहें तारीफ करिएगा, और कुछ नहीं करना चाहते तो माँ गणेशाय नमः, ओम हंग हनुमते नमः ये लिखेंगे ना, अपने इष्ट देव के लिखिए, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कुछ नहीं जय माता दी लिखिएगा, जो आप चाहे लिखिएगा, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो देखिए अभी मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी जो है आपके जीवन में बुध का और बृहस्पति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। बुद्धि विवेक दाता, बृहस्पति धन दाता, व्यापार में सफलता दिलाने वाले देव गुरु, और बुध जो है युवराज, बुध और बृहस्पति दोनों ही बुद्धि विवेक से जितने भी काम होते हैं आपके पढ़ाई लिखाई में तो व्यापार में तो जहाँ जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल है सब बुद्धि विवेक के लिए बृहस्पति और बुध जिम्मेदार हैं। तो देखिए मैं अभी देख रहा हूँ कि 7 जनवरी को बुध जो धनुराशि में आ गए, धनु राशि में देखिए मंगल भी बैठे हुए हैं, तो धनु राशि में एक बात और है कि धनु राशि जो है काल पुरुष की कुंडली की भाग्य भाव की स्वामी है नवे भाव में। और देखिए इस समय काल पुरुष की कुंडली या मेष राशि कुंडली में क्या है, मेष राशि की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं, केंद्र में पहले भाव में देखिए बृहस्पति हैं और नवे भाव भाग्य भाव में बुध है मंगल के साथ। बुध से मतलब बृहस्पति से नवा और बुध से 5वां बृहस्पति, तो बृहस्पति का बुध का 9-5 का संबंध बन रहा है। तो देख अब ये देखिए बुध और बृहस्पति, आपको मैं बताता हूँ कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बुध बृहस्पति केंद्र में है या उनकी शासित राशियां केंद्र में हैं। 4 केंद्र बहुत हैं ना, पहला चौथा सातवा दसा दसवां, तो आप देखिए वो राशियां विशेष लाभ पा रही हैं इस समय, उनको विशेष बुद्धि विवेक से काम करने से धन से व्यापार से सब लाभ मिल रहा है। जो राशियां देखिए केंद्र में एक राशि अगर बैठती है तो उसके चारों यानी केंद्र में जो है बुध की या बृहस्पति की राशि पड़ती है और उनसे विशेष लाभ मिलता है, उनका जीवन बुध से बृहस्पति से संचालित है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन सी राशियाँ हैं जो
जो इस समय विशेष लाभ पा रही हैं बुध बृहस्पति के नवम पंचम योग से भी। और बुध की और राशियां जो हैं, जैसे जहाँ जहाँ बुध तो धनु राशि में बैठे हैं, बुध की राशि मिथुन, बुध की राशि कन्या कहाँ है, और बृहस्पति की राशि मीन कहाँ है, वो सब ये वर्तमान में 1 फरवरी तक जब तक बुध देव धनु राशि में बैठते हैं, तब तक कुछ राशियों को विशेष ही लाभ मिल रहा है। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। देखिए, 1 फरवरी तक, अब से लेकर 1 फरवरी तक, देखिए देखिए पहली राशि जो मैं कंसिडर करता हूँ, देखिए मिथुन राशि को देखिए साहब। मिथुन राशि के लिए क्या है, मिथुन राशि को कंसिडर करते हैं आप। मिथुन राशि नंबर 3 राशि है, बुध इसके स्वामी है, बुध की राशि है। तो मिथुन राशि जो है, अगर पहले भाव में लग्न में केंद्र में हो, पहले भाव में नंबर 3 राशि, तो देखिए ये 3 4 5 6, तो चौथे भाव में कन्या राशि आ गई बुध की। तो मिथुन राशि के लिए बुध की राशि है तो केंद्र के भाव देखिए अच्छे भाव बने जाते हैं, विष्णु और तो लक्ष्मी से कनेक्टेड। तो विष्णु तो केंद्र का भाव, चौथा भाव सुख साधनों में। तो बुध की राशि अगर लग्न में है तो कन्या राशि चौथे में आ गई, क्योंकि बुध जो है इस समय धनु राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। और देखिए आगे बढ़ें आप, तो 7वें भाव में क्या है, धनु राशि आ गई, यहाँ बुध खुद बैठे हुए हैं, ये भी केंद्र का भाव है। और 10वां भाव जो है क्या है, देखिए 12वीं राशि आ गई, मीन राशि। तो पहले भाव में बुध की राशि कन्या, बुध की राशि मिथुन, और चौथे भाव में बुध की राशि कन्या, 7वें भाव में बृहस्पति की राशि धनु, और 10वें भाव में बृहस्पति की राशि मीन। तो चारों केंद्र के भाव 1 4 7 10 बुध और बृहस्पति की राशियों से ही रूल रहे हैं, यानी बुध और बृहस्पति ही की राशियां पड़ रही हैं मीन मिथुन राशि के लिए। और बुध देखिए खुद बैठे हुए हैं कहाँ पर, 7वें भाव में, दाम्पत्य जीवन में अच्छा कर रहे हैं, परिवार का अच्छा, यानी व्यापार को बहुत तरक्की, मिथुन राशि के लिए खास तौर से बुध की राशि है। और बुध और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है बुध पर, जब तो बृहस्पति देखी राशि कौन सी है, बृहस्पति के धनु और मीन, तो ये भी जो है 7वें भाव में और 10वें भाव में है। तो दोनों दोनों 7वें 10वें कंट्रोल बृहस्पति से हो गए, और बृहस्पति खुद जो है बुध को भी दिख रहे हैं, नवम पंचम का बन रहा है संबंध, एक दो तीन चार पाँच, क्यों बृहस्पति कहाँ पे हैं, बृहस्पति मेष राशि में है, मेष राशि कहाँ पे है, 11वें भाव में, इस समय मिथुन राशि के 11वें भाव में, और बुध बैठे हैं 7वें भाव में। तो बुध का बृहस्पति का यानी मेष का धनु का नवम पंचम बन रहा है, और बुध की राशियां दोनों ही केंद्र में हैं, और बृहस्पति की भी दोनों राशियां केंद्र में है चार। तो मिथुन राशि के लिए ये बड़ा सौभाग्य का समय है कि चारों केंद्र के भाव में इस समय बुध और बृहस्पति से रूल है, बुध और बृहस्पति का जीवन में, और बुध देखिए बृहस्पति से दृष्ट है, युवराज बुद्ध को बृहस्पति देवगुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, नवम पंचम का योग बन रहा है। तो बृहस्पति बुद्ध आपस में नवम पंचम के योग में है, तो बृहस्पति की और बुद्ध की चारों दो दो राशियां केंद्र में विशेष लाभ देंगी। सुख स्थान में रहेगी बुद्ध की राशि तो सुखी सुख मिलेगा, यानी सब तरह के गाड़ी बंगला मकान सब मिलेगा। बुद्ध खुद जो है धनुराशि में बैठे हैं सप्तम में, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार में तरक्की। और बृहस्पति की राशि जो है बैठी है कहाँ, नवम पंचम ना बुध बृहस्पति का, तो बुध के लिए ही, क्यों मिथुन राशि बुध की है, बृहस्पति की मीन राशि बैठी 10वें में, तो कार्य कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में समय तरक्की मिल रही है। तो ये एक मिथुन राशि को मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ इस समय, 1 फरवरी तक जब तक बुध जो है धनु राशि में रहेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अब देखिए दूसरी राशि देखते हैं, बुध की दूसरी राशि जो है कन्या राशि।
तो कन्या राशि नंबर 6 राशि जब पहले भाव में लग्न में आ गई तो चौथे भाव में देखिए आगे धनु राशि, यानी जहाँ बुध खुद बैठे हुए हैं, और सातवें भाव में जो है आ गई मीन राशि, जहाँ पर के इस समय राहु बैठे हुए हैं और मतलब बृहस्पति की राशि है, और दसवें भाव में आ गई देखिए मिथुन राशि बुध की। तो दोनों राशियाँ बुध की, एक राशि पहले में भाव में, एक राशि बारहवें भाव में, और बृहस्पति की राशि एक चौथे में और एक सातवें में। तो चारों केंद्र के भाव बुध के और बृहस्पति की दोनों राशियों से कंट्रोल्ड हैं, और चूँकि बुध बृहस्पति नवम पंचम बन रहा है संबंध, और बुध जो है इस समय धनु राशि में चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सुख साधन की वृद्धि कराएंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा कराएंगे, और बुध की दृष्टि पड़ेगी धनु राशि से मिथुन राशि पर सम्मुख दसवें भाव में, तो कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, पदोन्नति सब कुछ संबंध। और कन्या राशि तो खुद लग्न में है ही है, वहाँ से बुध की राशि है और सामने जो है बारहवीं राशि बृहस्पति की है। तो बृहस्पति खुद जो है बुध बृहस्पति नवम पंचम योग बना रहे हैं, तो बुध की दोनों राशियाँ और बृहस्पति की दोनों राशियाँ अच्छा करेंगी, और खुद अच्छे बुध चौथे भाव में बैठ करके शुभ साधनों की वृद्धि करेंगे। हालांकि बृहस्पति जो बैठे हैं वो मेष राशि में अष्टम भाव में हैं, इसलिए अष्टम भाव में बृहस्पति धन भाव को देखेंगे, वहाँ से धन भाव में शुक्र की राशि तुला राशि है, तो धन को तो बृहस्पति धन तो आएगा ही आएगा, क्यों बृहस्पति अष्टम से बैठ करके अचानक धन दिलाएंगे, अचानक धन संपत्ति मिलेगी, अचानक पैतृक संपत्ति मिल सकती है। तो कन्या राशि देखिए दूसरी राशि है बुध की, जिसमें जब कन्या राशि के लिए चारों केंद्र के भाव में बुध की या बृहस्पति की राशियाँ हैं, और बुध बृहस्पति नवम पंचम में होने के कारण बहुत अच्छा एक दूसरे को संबंध बना रहे हैं। तो बुध की बृहस्पति की चारों राशियाँ चारों भाव में केंद्र भाव में जो राशि बैठती है तो स्थान विशेष होता है, ये केंद्र के हमेशा कहते हैं केंद्र में केंद्र और त्रिकोण ये भाव बड़े अच्छे हैं। तो ये देखिए मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, अब मैं देखता हूँ धनु राशि के लिए। धनु राशि नंबर 9 पहले भाव में आ गई, जहाँ बुध बैठे हैं और बृहस्पति से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। बृहस्पति की मेष राशि जो है कहाँ है, पंचम भाव में है, तो नवम केंद्र से पहले भाव से पांचवा और यहाँ से नवा पांचवें भाव से लग्न भाव, तो नवम पंचम बन रहा है बृहस्पति का, अच्छा संबंध बन रहा है। और बृहस्पति की बुध की राशियाँ कहाँ हैं, देखिए बृहस्पति की राशि तो जहाँ बुध बैठे हैं लग्न में आ गई धनु, और चौथे भाव में आ गई मीन राशि बारहवीं राशि सुख स्थान में, और सप्तम भाव में आ गई मिथुन राशि बुध की, और दसम स्थान में आ गई देखिए कन्या राशि बुध की। तो दो बुध की राशियाँ सातवें में दसवें भाव में, और बृहस्पति की राशि पहले भाव में चौथे भाव में, तो चारों केंद्र भाव बुध और बृहस्पति की राशियों से ही कंट्रोल हैं, इसलिए ये बुध और बृहस्पति जीवन को अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे, और बुध बृहस्पति का नवम पंचम का संबंध है, इसलिए चारों केंद्र के भाव में बैठ कर के राशियाँ बुध की बृहस्पति की बहुत अच्छा फल देंगी। यानी धनु राशि में खुद बुध बैठे हुए लग्न में, तो जातक का लग्न शरीर स्वस्थ निरोगी काया, और देखिए मीन राशि बैठी है बृहस्पति के राशि है केंद्र में बैठी है चौथे भाव में, तो सुख साधनों की वृद्धि, सुख की जो भी साधन है सब मिलेंगे। और देखिए मिथुन राशि बैठी है सप्तम में, तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी, और बुध की दूसरी राशि कन्या राशि दसवें भाव में है, तो कारोबार में व्यापार नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ तरक्की मिलेगी। तो ये रहा देखिए धनु राशि के लिए, जब बृहस्पति बैठे हुए हैं पंचम भाव में वो भी अच्छे हैं, तो बृहस्पति का बुध का नवम पंचम का संबंध, बृहस्पति बुध की सब राशियां अच्छा फल देंगी, और सब केंद्र में बैठी हैं चारों केंद्र बुध बृहस्पति से रूल्ड है, तो मैं समझता हूँ
राशि के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत धन धान्य सुख साधन संतान की तरक्की सब कुछ बढ़िया है। और देखिए अगली राशि है वो देखिए मीन राशि। तो मीन राशि केंद्र में आई मतलब पहले भाव में, तो चौथे भाव में मिथुन राशि आ गई, सातवें में आ गई कन्या राशि और दसवें में आ गई धनु राशि। तो चारों केंद्र में दो बृहस्पति की और दो बुध की राशि आ गई और मीन और देखिए धन भाव में आ गए बृहस्पति, जहाँ से नवम पंचम बना रहे हैं संबंध, धनु राशि से नवा, मेष से नवा और धनु राशि से मेष राशि पंचम में नवम पंचम का संबंध बन रहा है। धन भाव में बैठ करके मीन राशि के लिए बृहस्पति धन दे रहे हैं और चारों राशियां केंद्र में दो बृहस्पति की दो धनु दो बुध की। मीन राशि लग्न में बृहस्पति धन भाव में तो मीन राशि बहुत अच्छा लाभ देगी और मिथुन राशि चौथे में सुख साधनों की वृद्धि कराएगी, माता का सुख बंगला गाड़ी मकान सब कुछ मिलेगा। और सप्तम भाव में कन्या राशि बुध की आ गई है, तो बुध ये राशि भी आपको दाम्पत्य जीवन में अच्छा, व्यापार में तरक्की और मतलब कुटुंब में परिवार में सब कुछ अच्छा। और धनु राशि आ गई बृहस्पति की दूसरी दसवें भाव है, तो धनु राशि कारोबार में नौकरी में व्यापार में सब कुछ में तरक्की दिलाएगी, पैसा वृद्धि कराएगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाएगी। तो मैं समझता हूँ ये चार राशियाँ दो बुध की और दो बृहस्पति की और ये चारों राशियों में चार केंद्र में इनके ही राशियाँ हैं बुध बृहस्पति मिथुन कन्या धनु और मीन। तो चार राशि वाले ये तो विशेष लाभ पा रहे हैं। और देखिए एक राशि में और बताऊंगा अभी, देखिए एक राशि और क्योंकि सिंह राशि को देखिए, सिंह राशि में पांचवें नंबर की राशि जो है भाव लग्न भाव में है और बृहस्पति की धनु राशि कहाँ गई पंचम भाव में, तो सूर्य की राशि पंचम टॉप पे मतलब और ये जो पांचवा भाव एक त्रिकोण का कोण हो गया और मेष राशि नवे भाव में भाग्य भाव में, तो ये त्रिकोण बन जाता है। बृहस्पति जो बैठे हैं पहले भाव पहली राशि में मेष राशि में सिंह राशि के लिए, वो तो रहे नवे भाव में भाग्य भाव में, भाग्य भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और वहाँ से जो नवम दृष्टि पड़ रही है बुध पर कहाँ पर पंचम भाव में, और बुध से बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में, तो नौ पाँच का जो बन रहा है बृहस्पति बुध का पांचवें भाव में और नवे भाव में, और सूर्य की राशि जो बैठी है त्रिकोण में ऊपर शीर्ष पर बैठी हुई है, तो ये त्रिकोण बन गया ये जिसमें कि धर्म आप त्रिकोण मानिए इसको टॉप पे मतलब सिंह राशि है और बृहस्पति जो है भाग्य भाव में है और बुध को नवम दृष्टि से देख रहे हैं और बुध की पंचम नवम संबंध बन रहा है। तो ये त्रिकोण में बैठ कर के सिंह राशि बैठी है देखिए केंद्र में और दोनों बुध और बृहस्पति त्रिकोण में बैठे हुए हैं पंचम भाव में नवम भाव में, तो ये राशि भी बहुत बुध की और बृहस्पति की विशेष कृपा पा रही है। नवम पंचम योग से और त्रिकोण बन रहा है, तो सिंह राशि भी मैं पांचवी राशि समझता हूँ इस समय। 1 फरवरी तक जब तक बुध धनु राशि में है तो पांच राशियों को विशेष लाभ मिल रहा है भाई, विशेष धन लाभ मिल रहा है, विशेष सुख लाभ मिल रहा है, व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, संतान को लाभ, सुख साधनों की वृद्धि, यानी मिथुन राशि कन्या राशि धनु राशि मीन राशि चार तो ये हैं और पांचवी सिंह राशि। तो ये पांच राशि वाले इस समय विशेष लाभ के भागी हो रहे हैं, कब तक, जब तक बुध बैठे हैं नवम में बृहस्पति के घर में और बृहस्पति की नवम पंचम संबंध बना रहे हैं। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, देखिए आगे आऊँगा, आगे तो फिर कुछ और चर्चा करूँगा, लेकिन आपसे विनती ये करता हूँ कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मित्रों नमस्कार।